सफलता के लिए हम ना जाने कितने प्रयास करते हैं, एक बहुत ही सस्ता उपाय, बहुत ही साधारण सा प्रयास करके आप अपनी सफलता को और अपने दिन को तरोताजा कर सकते हैं। आपका व्यवहार आपकी पहचान है, ये तो आपने सुना ही होगा। आप देखिए, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी क्लास में जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं, सकारात्मक उसका फीलिंग्स होता है, तो उसका जो एटीट्यूड है उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी आंतरिक कठिनाइयाँ आपके कार्य पे प्रभावित कर रही हों, आपके वर्क को प्रॉब्लम में डाल रही हों। अगर आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है तो उसको शेयर कीजिए अपने नियर डियर वन के साथ, और बाह्य परिस्थितियाँ आपको कष्ट दे रही हैं तो उनको आप चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात का कि कोई भी कार्य जब आपके व्यवहार को प्रभावित करने लगे तो समझ लीजिए परेशानियाँ बढ़ चुकी है, आपको कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। कबीरदास ने कहा है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप बहुत शीतल हो। बिल्कुल बिल्कुल लविंग एटीट्यूड में आप टॉक कीजिए सबसे, क्योंकि अगर आपकी आंतरिक परेशानियाँ आपको बढ़ा चढ़ा के आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं तो आपकी सफलता आपके हाथों से फिसलने लगेगी। अपने व्यवहार को अपने हाथ में रखिए और अपनी कठिनाइयों को दूसरों को शिकार मत बनाइए। अपनी कठिनाइयों का आपको प्रॉब्लम है, आप दूसरों को कष्ट क्यों दे रहे हैं? दूसरों को कष्ट देने का मतलब है अपने आप को कष्ट के लिए इनवाइट कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। बी पॉजिटिव, बी लविंग, बी हैप्पी ऑलवेज एंड कंट्रोल योर बिहेवियर। बाय बाय।